अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम निकू चौधरी है। मैं क्लासिकल रक्स करती हूँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं 25 साल से कर रही हूँ। और मैं पली बड़ी पाकिस्तान में, आई वॉज बॉर्न बट मैं लंदन में पली बड़ी हूँ। और 83 में मैं वापस आई, 97 में सैयद सफ़दर अली कलंदर बाबा से मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात ऐसे अजीब सी थी, अलग सी थी। ऐसा था कि सरकार हमारे घर आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि 1 रुपए बिच रब चाहिए। और मैंने उनको बहुत गौर से देखा कि ये पहेली है, ये क्या है। मगर फिर उन्होंने कहा कि चाहिए बोलो। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो उन्होंने कहा बड़ा सस्ता मूल्य बिक रहा। तो फिर बस उसके बाद जब सरकार के साथ मेरा कनेक्शन बना तो मुझे कलंदरों के बारे में, सैयदों के बारे में, मौला अली सरकार, ये सारे आल के बारे में मुझे जो तालीम मिली और जो मुझे समझ आई, क्योंकि एक वेस्टर्न माहौल से एक ईस्टर्न माहौल में आई थी। और फिर मैं सही मानों में दिल से एक मुसलमान बनी, जिसको मैं समझती हूँ कि जो सही तालीम होती है अपने रूहानियत का और अपने इस्लाम का, और जो अदब उदाब जो उन्होंने सिखाया हमें, और जो मोहब्बत, प्यार करो काकी, प्यार करो बेटा बाबा, प्यार करो, बस उनके यही अल्फाज थे, सबसे प्यार करो। फिर उन्होंने सूरह रहमान का सारा जो पूरा पूरे पाकिस्तान में एंड इंटरनेशनली बहुत लोगों तक हीलिंग का एक ज़रिया बनाया और मशहूर किया इस चीज़ को, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे डॉक्टर्स, महंगे ट्रीटमेंट्स। ये तो सूरह रहमान के ज़रिए सरकार ने बहुत हीलिंग करवाई। वो बहुत, उनके जो फीस होते थे जब कोई ठीक होता था तो वो कहते थे कि ये जो है ना, ये आगे ले आप, ये सूरह रहमान आगे दें आप, फीस ये कि आगे दें, आगे करते आप भी, आप ठीक हुए, आप किसी को इसके ज़रिए आप ठीक करें, पैगाम फैलाओ, फैलाओ उस इंसानियत, दुखी इंसान को अपने दर्द से निकालें, दुखी इंसान को अपनी बीमारी से निकालें। तो ये सरकार का पैगाम था हमें, क्योंकि रक्स का शोबा है मेरा, तो मुझे उन्होंने रक्स के थ्रू मेरा सारा हीलिंग का प्रोसेस रखा और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया दमाल से, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दमाल, कि आप दमाल सिर्फ खुली आँख से नहीं, बंद आँख से और कल्प पे कैसे जाते हैं, दमाल का अंडरस्टैंडिंग, कि आप धूप कैसे जाते हैं, आप यकसूम कैसे होते हैं। जैसे हम कुरान में हैं सलात कायम करना, तो सरकार से ये पता चला कायम कैसे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और कायम जब होना तो फिर काम भी इबादत हो जाती, जहाँ कायम होते तो हर काम इबादत हो जाती, हर काम आप यकसू से करते हैं। जब यकसू से करते हैं तो फिर आप इंसानों के लिए भी कुछ कर, आप इंसान के लिए भी कुछ कर सकते हैं, आप उनको गाइड भी कर सकते हैं। आप खुद जब एंकर्ड होते हैं या कहीं मुर्शिद के साथ आपको एक वो रस्सी मिल जाती, तो फिर आप आगे किसी को आप भी मेंटोरिंग कर सकते, गाइड। और इस वक्त पाकिस्तान में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम देखें क्या हो रहा पाकिस्तान में, फीस इतने महंगे, डॉक्टरों के कितने कितने बीमारियाँ हैं, हमारे खाने प्योर नहीं है, हमारा पानी ठीक नहीं, बहुत सारी चीज़ें। सो आई फील कि ये जो हीलिंग का सिलसिला है, सूफियों कलंदरों का जो सिलसिला है, वो बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है और फास्ट है। तो मैं आज सरकार के दरबार पे आई हूँ, और मैं 97 से सरकार के साथ हूँ, इट्स नाउ 2019। अब समझ लीजिएगा 22 साल हो गए मुझे, और सरकार के साथ हमने दिन रात बहुत वक्त भी गुजारा, और हमने सरकार को लोगों के साथ बातचीत करते हुए और हक के ऊपर जैसे वो बात करते थे, वो किस तरह से वो हमें ट्रूथ सिखाते थे, क्योंकि ट्रूथ यूनिवर्सल होती है। जो एक हक का बंदा जब वो बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल बात होती है, वो कोई डिफरेंट नहीं, कोई भी हक का बंदा डिफरेंट बात नहीं करे। सरकार ने सबसे बड़ी जो हमें बात बताई कि लाइट जो है ना वो अल्लाह है, और नूर है वो एक ही नूर है, नूर को डिवाइड नहीं किया जाता, एक ही लाइट है जो पूरी दुनिया से, जिसके अंदर, जिसके जो हमारे अंदर फूका गया, जो सबके अंदर फूका गया, वो हमें एक
रखता है। हम सिर्फ जिस्म नहीं है, हम नूर भी है, हम लाइट भी है। तो आज मैं सरकार के दरबार पे हूँ और सबको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, ज़रूर आएँ, लिल्ला ज़रूर आएँ, सरकार को ढूँढें, आएँ, यहाँ एक्सपीरियंस करें और फिर आपको पता चलेगा कि सैयद सफदर अली कलंदर बाबा क्या है, कौन है, कलंदर का सिलसिला क्या है। थैंक यू वेरी मच।